अलवर में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी प्रमुख पार्टियों ने अपना पूरा दमखम दिखाया हुआ है और प्रत्याशी अपने पक्ष में मतदान करने को लेकर लोगों तक पहुंच रहे हैं। अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। अलवर राजनीति में इस बार चुनाव पूरी तरह रोचक होने की संभावना है। अब यहां त्रिकोणीय मुकाबला संभव है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां राज्यसभा सदस्य और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने मुंडावर के विधायक ललित यादव पर अपना दांव खेला है। प्रमुख तीसरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, जहां फजल हुसैन को प्रत्याशी घोषित किया गया है। अलवर लोकसभा चुनाव है, उम्मीदवार के घर से हम मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव, जिनसे हम जानेंगे कि क्या उनका अब चुनावी माहौल चल रहा है, क्या दिनचर्या के साथ वो जनता के बीच जा रहे हैं और क्या जनता के जो जवाब हैं उनको देने हैं, जिनको लेकर के वो क्या उनको वादे कर रहे हैं। सर, अभी आप जनता के बीच जा रहे हैं, सुबह से अभी 5 बजे का टाइम है और आप निकलने की तैयारी में हैं, क्या पूरी तैयारियां रहती हैं, पूरा क्या जनता का इस वक्त माहौल बना हुआ है? जनता पूरी तरीके से मोदी जी की गारंटी के साथ है। विकास और सारे विषयों पे लोग पूरी तरीके से समर्थन दे रहे हैं, समाज के सभी वर्गों का समर्थन पूरी तरीके से मिल रहा है। सर, काफ़ी दिनचर्या में चुनाव के दौरान परिवर्तन आता रहता है प्रत्याशियों के, तो क्या परिवर्तन आपको भी नज़र आ रहा है दिल्ली में और अब यहाँ? मेरा तो सुबह जल्दी काम करने का स्वभाव है और वैसे सुबह जल्दी काम करता हूँ। सर, पूरे अभी चुनावी कैंपेनिंग में काफ़ी लंबा समय अभी तक आप दे चुके हैं, दिल्ली के नज़दीक है अलवर, क्या जनता का जो माहौल है, किन वादों को लेकर के आप जनता के? लोग पूरी तरीके से चाहते हैं कि भारत का विकास हो। अलवर में लोग पानी के विषय को लेकर के हैं और हम निश्चित रूप से पानी के विषय के समाधान के लिए और विशेष रूप से प्रधानमंत्री जल जीवन योजना, अमृत योजना और जो ERCP का पानी है, तो दोनों तरह का, पीने का पानी और सिंचाई का पानी। सर, ERCP का भी लोकसभा के चुनाव घोषणा से पूर्व में ही काफ़ी प्रयास शुरू हो चुके थे, जनता के भी अभी उम्मीद पूरी है कि शायद पानी जल्दी मिलेगा, तो आप जब जनता के बीच जाते हो तो क्या जनता आपसे पहले कहती है या आप पहले ही उन्हें बता देते हैं? दोनों का साथ रहता है, क्योंकि हमारी बातचीत एक तरफा नहीं होती, हमारी बातचीत पूरा संवाद होती है, तो हम लोगों से जाके केवल भाषण नहीं देते, संवाद करते हैं, मिलते हैं भी आगे बढ़ करके मोदी जी के कार्यकाल को बताते हैं, मोदी जी की गरीब कल्याणकारी योजना को बताते हैं, तो दोनों का विषय मिलकर करते हैं। सर, रात्रि का समय आप काफ़ी देर बाद आते हैं, तो जो लोगों को पर्सनली मुलाकात का दौर है वो किस तरह का सबसे होता है, क्योंकि पूरे दिन रहते हैं क्षेत्र में रहते हैं तो सबसे मिलने का रहता है। अभी आप सुबह सुबह लगातार पार्कों में भी जा रहे हैं, तो जो हर वर्ग का व्यक्ति लगभग सभी जगह मिल रहा है, तो अलवर के इस चुनाव को आप अब किस नज़र से देख रहे हैं? नहीं, अलवर का चुनाव तो नज़र के अलवर का प्रेम है, ये प्रेम की नज़र से देखते हैं। परिवार की बात की जाए तो परिवार लगभग आप किसको मानते हैं और कैसा परिवार आपको मिला हुआ है? अलवर का मेरा परिवार, जो लोग हैं जिनके बीच में मैं काम कर रहा हूँ, मेरे साथी हैं, ये सब मेरा परिवार है, इनके साथ ही मैं काम करता हूँ। सर, आपके परिवार के कुछ सदस्य अलवर में भी पूर्व से रहते आए हैं और अभी बहनें, बुआ, नानीहाल, ये सब अलवर में हैं। सब आपके साथ चुनाव में जुड़े हुए हैं? सब अपने अपने क्षेत्रों में जुड़े हैं और पार्टी के सब लोग और अलवर की पूरी जनता मेरे साथ जुड़ी हुई है।